अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबको मेरी तरफ से आपका एंड आपकी फैमिली को ईद मुबारक। तो ये दोनों मेरे घर आ गए थे मुझे लेने के लिए, क्योंकि मैं घर में बोर हो रही थी। तो अभी हम जा रहे हैं साइमा के घर अपनी हैवी ड्राइवर के साथ, और हमें लग रहा था कि आज ये कहीं हमें ठोक ठाक ना दे, कहीं आज के दिन हमारी ईद बन जाए। तो साइमा के घर जाकर डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो अभी हम जा रहे हैं गोलापार स्टेडियम फ़ोटोज़ क्लिक करने, वहाँ पे जाके फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं अगर इसके स्कूटी में बैटरी हुई तो कहाँ जाना है। उसके बाद फिर हमें याद आया, हमने यहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करने तो नहीं कराई, क्योंकि फिर हमें याद आ गया कि हमारा एक फ्रेंड है जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो अभी हमें उसका घर तो पता नहीं था, उसने हमें गृह प्रवेश में बुलाया था, बट हम लोग गए नहीं थे क्योंकि बहुत तो अभी हम उसी का घर ढूंढ रहे थे। तो हमने उसको वीडियो कॉलिंग लगाई, ये हमें ऐसे करके रास्ता गाइड कर रहा था वीडियो कॉल पर। तो अभी फ़िलहाल तो हम इसके घर पे ना रॉन्ग साइड से आ गए, इसलिए वो हमें बहुत लंबा रास्ता लग रहा था, बहुत दूर भी लग रहा था, और सबसे ज़्यादा डर इस बात का था क्योंकि माही की स्कूटी में बैटरी कम थी। तो फिलहाल मैं उसके घर ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि बातें करने में इतना टाइम निकल के पता ही नहीं चला, इतने टाइम बाद मिले थे। तो हमने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक कराए थे, तो मैं वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। चाय नाश्ता कर लिया था, अभी हम वापस घर जा रहे हैं। ये हमें दूसरा रास्ता दिखा रहा है जो शॉर्टकट है यहाँ का, तो इसी के साथ अभी हम जा रहे हैं। फिर हम वापस जा रहे थे अपने थे, और ये गोलापार की शांति है, सच में गोलापार में बहुत शांति है, इतना अच्छा लगता है ना वहाँ पे उधर की साइड पर। फिर हम तीनों वापस घर की ओर जा रहे थे, फिर हम यहाँ गोला ब्रिज पर रुक करके हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक करे, क्योंकि धूप बहुत अच्छी आई थी, धूप में फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे आ रहे थे। तो हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक करी, और ये रहा मेरा ईद का आउटफिट जो मैंने मीशो से मंगाया था। एक्चुअली हम तीनों को ही मीशो से ही आया था। सो फिर ये रहे 3 ब्यूटीज़ इन 1 विलेम। फिर वहाँ से वापस आते टाइम हमने देखा कि इधर की साइड पर जो था फाटक बंद कर दिया था इन लोगों ने, हमें लगा कि बहुत बड़ी ट्रेन आ रही होगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। आधा घंटे रुकने के बाद पता चला कि एक इंजन था सिर्फ, उसके लिए इन्होंने आधा घंटा फाटक बंद रखा। फिर मैंने और साइमा ने यहाँ पे खाए गोलगप्पे, क्योंकि माही खा नहीं सकती थी, माही के ब्रेसेस लगे थे इस वजह से माही खा नहीं सकती थी, तो फिर मैंने और साइमा ने ही खाए थे। फिर सायमा को घर छोड़ने के बाद मैं और माही निकल पड़े घूमने के लिए, और फिर शाम के टाइम में थोड़ा ठंडा भी हो गया था, तो और मज़ा आ रहा था घूमने में। तो मैं और माही अभी हम जा रहे हैं स्कूल की साइड नहीं, मतलब हमारी एक फ्रेंड है ना अक्षिता, वो उसके घर जा रहे हैं अभी हम, तो देखते हैं। सो अभी हम उसके घर पहुँचने वाले हैं, और गली में घुसते ही हमें एक सरप्राइज़ मिला, क्योंकि ये कहीं जा रही थी, मैं काशीपुर जा रही थी, इसके वहाँ कोई फंक्शन था। तो फिर हमने इसको यहाँ पे बाय किया, और फिर मैं और माई निकल। निकल कर था माही के घर के सामने से आए थे, बट इसने कहा नहीं मैं तुझे को घर छोड़ देती हूँ, तो फिर इसने मुझे मेरे घर छोड़ा। तो आज का दिन कुछ इस तरह से रहा, आपने अपनी कैसे मनाई मुझे बताना, एंड इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आपसे मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, टेक केयर। तो इस तरीके से करा मैंने अपनी ईद का एंड।